हेलो एवरीवन, मैं राखी पटेरिया श्यामलाल चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों का पार्ट टू पढ़ते हैं। जानते हैं कोल जनजाति के बारे में। आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार की कुछ कोल जनजाति होती है। ये जनजाति अत्यधिक प्राचीनतम जनजाति है। इस जनजाति का अभी तक विकास नहीं हुआ है। जान लेते हैं ये जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का जो कुराली क्षेत्र है ना, वहाँ पर यह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कुछ अन्य ज़िले भी हैं जैसे सीधी, सतना और शहडोल, उनमें भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कुराली क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी दो उपजातियाँ हैं जैसे रोहिया और रोठेले, ये दो इसकी उपजातियाँ हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। यह मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते हैं और मजदूरी पर। मजदूरी मतलब कि ये अपना खेतों से काम करके जीवन यापन करते हैं या अन्य किसी के यहाँ पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था मजदूरी पर आधारित होती है। आगे जान लेते हैं इनकी बनावट के आधार पर ये किस प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये काले रंग के होते हैं। देखिए, काले रंग के होते हैं। इनका कद मध्यम होता है, ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, बीच के होते हैं। इनके ओंठ जो होते हैं वो एक मोटे प्रकार के होते हैं। और निवास स्थान इनका कहाँ होता है ये आपको दिखाई दे रहा हो, घास फूस के घर बने हैं यहाँ पर ये निवास करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो मिट्टी के घर बनाकर भी रह लेते हैं। इन लोगों का यहाँ पर परमानेंटली निवास तो रहता नहीं है। ये लोग जहाँ काम करते हैं वहीं इस प्रकार के मिट्टी घास फूस के घर बनाकर निवास कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अपना निवास स्थान हुआ। आगे पढ़ते हैं अपन अन्य जनजाति के बारे में। जानते हैं शहरीय जनजाति के बारे में। शहरीय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे सह धन हरिया, जिसका अर्थ क्या होता है, शेर के साथ होना। और यह शहरीय जो है फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा में इसका शब्द जंगल होता है। इस प्रकार की जनजाति आपको दिखाई दे रही है, ये महिला और पुरुष बैठे हुए हैं, ये है शहरीय जनजाति। इन लोगों में विवाह तलाक विवाह होते हैं, जैसे लेडीज़ की शादी होने के पश्चात तलाक करके फिर दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो इस प्रकार के इन लोगों में तलाक विवाह होती हैं। यह सबसे ज़्यादा गुना और शिवपुरी में पाई जाती है। विदिशा में भी इसकी जनजाति काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुना शिवपुरी में पाई जाती है। उसके बाद यह भिंड, मुरैना, विदिशा और रायसेन जिलों में भी पाई जाती है। अगले इसकी बनावट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार की होती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा एक कद एकदम इन लोगों का ऊंचा होता है। देखो, फुलाइट के दिखाई दे रहे हैं, शायद रंग थोड़ा सा सांवला होता है। और पर्व इन लोगों में हिंदू के जैसे ही मनाए जाते हैं, जैसे अपने हिंदू में मनाए जाते हैं दिवाली, होली, रक्षाबंधन, उसी प्रकार के इन लोगों में पर्व मनाए जाते हैं। आगे अपन नेस्ट जनजाति के बारे में देख लेते हैं। कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है ये 10% तो गांव में निवास करती है, क्योंकि आज के समय में ऐसा माना जाता है कि कमार जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। यह सबसे ज़्यादा रायपुर ज़िले में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में। इसका अन्य नाम है, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, गुहावासी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी महिलाएं क्या करती हैं, देखो इस प्रकार के इन लोगों का व्यवसाय होता है, वो चटाई या टोकरियां बनाती हैं। देखिए, लकड़ी रहती है, लकड़ी से इस प्रकार लगा के ये टोकरियां बनाई जा रही हैं जो आपको इमेज में दिखाया गया है। इस प्रकार की कमार जनजाति होती है। आगे अपन लोग अन्य जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। कोरकू का अर्थ क्या होता है, मनुष्य का समूह, मतलब एक समूह को इन लोगों ने कोरकू कहा है। यह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल में पाई जाती है। हरदा में भी है, हरदा में कम है, लेकिन छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में इसकी संख्या ज़्यादा है। इनकी बनावट देख लेती है, आँखें थोड़ी काली सी होती हैं, नाक थोड़ी चपटी होती है और ये लोग मोटे होते हैं और चेहरे एकदम गोल होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बनावट दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की इनकी बनावट होती है। आगे इनका पहनावा देख लेते हैं। ये इस प्रकार का पहनावा पहने हुए होते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक कुर्ता टाइप का। देखिए, एक कुर्ता पहने हुए हैं, उसके नीचे पजामा या फिर धोती लपटे रहते हैं और ऊपर से फरी साफा टाइप का बांधे हुए होते हैं। और महिलाएं इनमें क्या करती हैं, महिलाएं धोती पहनती हैं
और ताबीज़ पहनती हैं, देखो ये ताबीज़ दिखाई दे रहा होगा, और कुछ माला टाइप की भी पहनती हैं गले में, आभूषण बहुत ज़्यादा पहनती हैं, और इस सिर पर कुछ इस प्रकार का जूड़ा टाइप का बांधे हुए होती हैं जो तार के जैसा दिखाई देता है।